SPSC affiliated Ram Shanti Vidya Mandir, one of the best school of Pandurna. Ram Shanti Vidya Mandir देता है आपके बच्चों को पढ़ने के लिए सुरक्षित स्थान, अनुभवी शिक्षकों से अध्यापन कार्य, वो भी विशेष मल्टीमीडिया सपोर्ट के साथ, विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने के लिए बस फैसिलिटी, शुद्ध RO वाटर और बहुत कुछ जो आपके बच्चे के भविष्य के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू 9th एंड क्लास 11th, राम शांति विद्या मंदिर, पार्डी रोड, पांडुर्ना। There are no problem, only solution. Dynamic solution classes. अब पांडुर्ना में स्टेट बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में हमारे यहाँ अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। बड़े शहरों में लाखों IIT, JEE, NEET, NTSC इन एग्जाम पर नहीं करना पड़ेगा खर्च, क्योंकि बेस्ट स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस टीचर के साथ मार्गदर्शन में हमारे यहाँ स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ 6 to 8 ऑल सब्जेक्ट एंड 11th and 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो प्रिंटेड नोट्स के साथ पढ़ाए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम हेतु प्रति सप्ताह टेस्ट की व्यवस्था, प्रति माह मोटिवेशनल क्लासेस, परीक्षा हेतु टाइम मैनेजमेंट, नए सत्र के लिए कक्षाएं प्रारंभ। हमारा पता डॉक्टर चौहान क्लिनिक, शिवानी हॉस्पिटल, बेसमेंट नियर फायर ब्रिगेड, पांडुर्ना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जिला बनाने की मांग पर पांडुर्नावासी अड़ गए हैं। इस मांग को लेकर मंगलवार के दिन हम फाउंडेशन भारत शाखा ने गुजरी बाजार चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास मौन धारण कर शासन का अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित कराया। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ मौन सत्याग्रह दोपहर 1 बजे खत्म हुआ। यहां से पैदल रैली के माध्यम से जय स्तंभ चौक होते हुए SDM कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष दिलीप मटकर ने आरोप लगाया कि राजनीतिक षड्यंत्र के कारण पांडुर्ना आज पिछड़ी तहसील बनकर रह गया है। न औद्योगिक विकास हो रहा है और न सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है। जिला बनाने की नागरिकों ने मांग की थी, जिस पर सर्वे उपरांत जिला बनाने की बात कही गई थी। लंबा समय बीतने पर भी इस घोषणा पर अमल नहीं किया गया। राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होने के से आज यहां सबसे पिछड़ी तहसील हो गई है, जहां न पेयजल की व्यवस्था है, न सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है, न ही औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास हुआ है। इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए स्थानीय जनता द्वारा आपके समक्ष निवेदन किया था कि इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु इसे जिले का दर्जा दिया जाए, परंतु बहुत समय बीतने के बाद भी इस दिशा में कोई हलचल नहीं दिखाई दी। मुख्यमंत्री जी के भविष्य में दौरे के समय हम अपेक्षा करते कि पांडुर्ना को जिला बनाने की घोषणा करेंगे। धन्यवाद। ज्ञापन सौंपने वालों में हम फाउंडेशन के अध्यक्ष दिलीप मटकर, उपाध्यक्ष सुरेश बांबल, प्रदीप मटकर, सचिव हेमराज गुलतकर, सहसचिव लक्ष्मण कपले, प्रवीण पालीवाल, गोविंद अग्रवाल, खेमराज तित्रे, सुरेश जुगेकर, गोपाल माहेश्वरी, बंटी आसटकर, मुकेश आसटकर, गेंदलाल डिगरसे, ओंकार गाड़वे, लोचन खौसे, बापू गायधने एवं अन्य लोगों ने ज्ञापन सौंप कर पांडुर्ना को जिला बनाने की मांग की। मंगलवार को आयोजित होने वाले जन सुनवाई में पहुंचकर किसान पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई। डोल नाला जलाशय के पूरक अवार्ड का मुआवजे की राह देख रहे किसानों ने आवेदन देकर मुआवजा प्रदान करने की मांग की। किसान महेंद्र कोरडे, पंकज कोरडे, राजेंद्र डिगर से, मोहन डिगर से, शंकर रावजी उकरडे, गोपाल डिगर से, टुकड़िया डिगर से, सुनील डिगर से, प्रकाश डिगर से ने बताया कि 2 वर्षों पहले हमारी भूमि जलाशय में डूब चुकी है। जल संसाधन विभाग द्वारा सर्वे कर धारा 11 का प्रकाशन भी किया जा चुका है, इसके बाद भी हम किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में कुल 10 लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्या से प्रशासन को अवगत कराया। जन सुनवाई में पहुंचे किसानों ने उद्यानिकी फसल संतरा को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल करने की मांग की। इसी तरह इस वर्ष अधिक क्षेत्रफल में बोई गई सोयाबीन की फसल को भी बीमा योजना में अधिसूचित करने की मांग की गई है। किसान उमेश खोड़े ने SDM को ज्ञापन सौंप कर बताया कि लंबे समय से बीमा योजना में उक्त फसलों को शामिल नहीं किया गया है, जिससे किसान मायूस है। बुद्धिजीवी नीरज दुबे ने ज्ञापन सौंप कर पारडी रोड किनारे मुख्य मार्ग पर ब्रेकर लगाकर बोर्ड लगाने की मांग की है। राजना के ज्ञानेश्वर पराड़कर ने नदी का भाग खोदकर आवेदक के खेत की ओर कटाव करने पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसी तरह से कई लोगों ने अपनी शिकायत को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।